हे गाइस, दिस इज़ योगेश और आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या है, प्रोटीन के टाइप्स क्या है और प्रोटीन कहाँ से हमें मिलेगा, कौन सा प्रोटीन हमारे लिए बेस्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोटीन जो होता है हमें काफ़ी सारे सोर्सेस से मिलता है और हम आपके नॉलेज के लिए ये भी देखेंगे कि किसमें कितना प्रोटीन मिलता है। हमें बेनिफिट क्या क्या होते हैं, तो गाइस प्रोटीन यूज़ होता है हमारे मसल्स बिल्ड करने के लिए। हमारे जो मसल टिश्यू होते हैं ये सिर्फ प्रोटीन कंटेंट से ही हम बिल्ड कर पाते हैं। आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे प्रोटीन प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि आर्टिफिशियल प्रोटीन पाउडर्स हमें मिलते हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ कवर करना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर काफ़ी मिथ्स है कि प्रोटीन पाउडर्स से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या प्रोटीन पाउडर से काफ़ी कोई बहुत सारे टंग्स ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो गाइज ऐसे कुछ नहीं होता है। प्रोटीन इज़ द सेफेस्ट डाइट्री सप्लीमेंट जो कि मिल्क से बनाया जाता है। मिल्क से जो चीज़ बनता है, चीज़ से उसे प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ऐसा आज तक कोई भी रिपोर्ट नहीं बोला जिसके अंदर मेंशन किया गया हो कि प्रोटीन इट्स हार्मफुल। और ये मिथ्स इंडिया के अंदर ही है, इंडिया से बाहर ऐसे किसी भी तरीके के मिथ्स नहीं है। प्रोटीन बनता है यूएस के अंदर, अभी इंडिया में भी स्टार्ट हो चुका है। तो प्रोटीन बनता है बेसिकली टू टाइप्स के अंदर, तो फर्स्ट वन इज़ वे प्रोटीन एंड अनदर वन इज़ अ केसिन प्रोटीन। तो गाइज केसिन प्रोटीन जो होता है इट्स अ स्लोली डाइजेस्टिव प्रोटीन एंड वे प्रोटीन जो होता है इट्स अ फास्टली डाइजेस्टिव प्रोटीन। तो गाइज कुछ देर के लिए हम वे प्रोटीन को साइड में रखते हैं और बात करते हैं केसिन प्रोटीन के बारे में। तो गाइज केसिन प्रोटीन जो है इट्स अ स्लोली डाइजेस्टिव प्रोटीन, तो इसे हमें लेना कब है, क्योंकि ये स्लोली डाइजेस्ट होता है। तो गाइज इसको सोने से पहले आप ले सकते हो कि ये स्लोली रिलीज होते रहे और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस आपके बॉडी में ओवर द नाइट चलती रहे। तो गाइज ये हुआ केसिन प्रोटीन के बारे में। नाउ वी विल टेक वे प्रोटीन। वे प्रोटीन के बेसिकली थ्री टाइप्स होते हैं, वे आइसोलेटेड, वे कॉन्सेंट्रेटेड एंड वे हाइड्रोलाइज। तो आइसोलेटेड के बारे में और कॉन्सेंट्रेटेड के बारे में और हाइड्रोलाइज के बारे में, इन तीनों के बारे में हम डिटेल्स में इंफॉर्मेशन लेंगे। फर्स्ट लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन। कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन अगर हम पकड़ते हैं कि अगर वन स्कूप ऑफ 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन हम लेते हैं तो 100 ग्राम प्रोटीन के अंदर हमें 400 कैलोरीज मिलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर। और 400 कैलोरीज में से 80% ऑफ प्रोटीन रहता है अलॉन्ग विथ 9% ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड 6-8% ऑफ फैट। तो गाइज और रिमेनिंग 150 mg जो रहता है वो रहेगा कोलेस्ट्रॉल। तो ये रहेगा, इस तरीके से ब्रेकडाउन रहेगा कॉन्सेंट्रेटेड वे प्रोटीन का। और नेक्स्ट बात करते हैं आइसोलेटेड के बारे में। अगर हम आइसोलेटेड का 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेते हैं तो 100 ग्राम के अंदर हमें 370 कैलोरीज मिलते हैं और 370 कैलोरीज में हमें मिलेगा 92% ऑफ प्रोटीन मिलेगा, रिमेनिंग जो रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूटीन एंड प्लस शुगर। ये चीज़ें रहेगी आइसोलेटेड के अंदर। तो इस तरीके से हम इसको बाय फॉरगेट कर सकते हैं। और थर्ड वन जो है वो है हाइड्रोलाइज प्रोटीन। तो हाइड्रोलाइज प्रोटीन इट्स अ फास्टली और रैपिडली एब्जॉर्ब प्रोटीन एज कम्पेयर टू आइसोलेटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड, बट इट्स लेस एक्सपेंसिव। आइसोलेटेड प्रोटीन होता है इट्स कंपेरेटिव हाइड्रोलाइज एंड कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन, इससे ये काफ़ी ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में रहता है। 90% ऑफ प्योर प्रोटीन रहता है आइसोलेटेड के अंदर। एंड नेक्स्ट वन गाइस कि आइसोलेटेड प्रोटीन आप जब लेते हो तो इसे लेना कब चाहिए, इसका लेने का पर्टिकुलरली टाइम कब होता है। तो आइसोलेटेड प्रोटीन आप ले सकते हो पोस्ट वर्कआउट के बाद, क्योंकि पोस्ट वर्कआउट के बाद आपके मसल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डैमेज हो चुके होते हैं या मसल ब्रेकडाउन होता है और आपके बॉडी को रिकवरी के लिए वो ज़रूरी होते हैं। तो इसके लिए आपको आइसोलेटेड प्रोटीन आप पोस्ट वर्कआउट लेते हो तो 15-20 मिनट्स के अंदर ये आपके ब्लड स्ट्रीम में आता है और ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद आपकी मसल रिकवरी स्टार्ट कर देता है। तो गाइज आप आइसोलेटेड प्रोटीन प्रेफर करिएगा आपके पोस्ट वर्कआउट में। तो गाइज ये रही प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन। लेकिन काफ़ी सारे ब्रांड्स ये भी है जो आपको तीनों भी प्रोटीन अवेलेबल करा के देंगे, जैसे कि मैंने एक मसल फार्म का कॉम्बैट वे था जिसके अंदर तीनों भी प्रोटीन प्रेजेंट थे, आइसोलेटेड, हाइड्रोलाइज और कॉन्सेंट्रेटेड। तो आप इस ऐसे प्रोटीन को आप कब ले सकते हो, तो आप उसको आफ्टरनून टाइम में ले सकते हो 1-2 बजे के बीच, ताकि आपकी दिन भर की प्रोसेस उससे चालू रहे, दिन भर प्रोटीन सिंथेसिस चालू रहे।
तो गाइज ये रहा मसल डेवलपमेंट के बारे में, प्रोटीन कितना लेना। अभी नेक्स्ट चल के ये भी बात आती है कि प्रोटीन हमें कितना लेना चाहिए, हम एक्सेस प्रोटीन ले तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं। तो गाइज इसके बारे में भी है कि इसके एज पर आपके गोल, ये डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आपको मसल बिल्डिंग गोल है या आपका फैट लॉस गोल है, व्हाट योर गोल। तो काफ़ी बार रिकमेंड किया जाता है कि आप पर पाउंड के हिसाब से प्रोटीन लीजिए आपके बॉडी वेट के हिसाब से, और काफ़ी लोग ये भी प्रेफर करते हैं पर केजी के हिसाब से पर ग्राम प्रोटीन लीजिए। एज़ पर अकॉर्डिंगली आपका ट्रेनर या आपका जो कोई फिजिशियन रहेगा या आपको उसके बारे में डिटेल्स दे देगा, तो आप आपके गोल के हिसाब से उसको चूज़ कर सकते हो कि आपका डेली रिकमेंडेशन कितना है प्रोटीन का, तो वो हिसाब से आप प्रोटीन भी स्टार्ट कर सकते हो गाइस। और सेकेंडरी चीज़ ये भी है कि काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन मिलना चाहिए, तो आप कौन से ब्रांड का प्रोटीन ले रहे हो, आप उसको कहाँ से बाय कर रहे हो, ये भी चीज़ें ज़रूरी है। तो मैं कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, ये साइट से आपको जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऑथेंटिकेटेड प्रोडक्ट ही मिलेंगे। और सेकेंडरी चीज़ ये है कि आपको जो आपके जो नियरेस्ट कोई ऑथेंटिकेटेड सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उससे भी जाके ये प्रोडक्ट्स ले सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो भी मेरा जल्दी आएगा, विच इज़ द बेस्ट आइसोलेटेड प्रोटीन। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, hit the like and subscribe my channel. Thank you so much.